नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, तो देख लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग UPSI भर्ती को लेकर के। तो UPSI भर्ती 2021 को लेकर के एक लेटेस्ट आज ही नोटिस जारी हुई है। तो क्या नोटिस है, क्या बड़ी अपडेट है, ये चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आज 22 अप्रैल को ये नोटिस जारी की गई है। आप लोग जानते हैं UPSI भर्ती के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो लिए जा रहे हैं। 30 अप्रैल ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम डेट है, लेकिन दोस्तों कोरोना की स्थितियों को देखते हुए जो अंतिम डेट 30 अप्रैल है इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यानी अब आप लोग इसमें 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि 1/4 से दिनांक 30/4 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उक्त पदों हेतु पदों को भरे जाने के लिए वांछित प्रमाण पत्र बनवाने में कोविड-19 महामारी के कारण अभ्यर्थियों के समक्ष आ रही समस्याओं के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है इसको 30 दिन और बढ़ा दिया गया। इस तरीके से आप 30 मई 2021 तक UPSI का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए खुशखबरी है कि अब आप लोग 30 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। UPSI एवं अन्य जो पद थे, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन कौन से पद थे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि उपनिरीक्षक पुलिस नागरिक, प्लाटून कमांडर, PAC अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, ये जो पद थे इन सब के लिए अब डेट जो है बढ़ करके 30 मई हो गई है। कुल मिलाकर के 9,534 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। दोस्तों यूपी की सारी परीक्षाएं, मोस्टली जो बोर्ड की परीक्षाएं थी, चाहे CBSE हो, ICSE हो या UP बोर्ड हो, ये सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर के अपडेट आ चुकी है कि छत्तीसगढ़ की 10वीं बोर्ड की जो परीक्षाएँ वो रद्द कर दी गई हैं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं लगा कोरोना महामारी की दूसरी लहर के भीषण प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दी है और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएगी। परीक्षार्थियों को दिए गए ऑनलाइन असाइनमेंट के आधार पर विषयवार अंक देकर छात्र और छात्राओं को पास किया जाएगा। वहीं पर 12वीं के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं बाद में ली जाएंगी कोरोना की स्थितियों को देखते हुए, लेकिन 10वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट TGT बायोलॉजी को लेकर के, आप लोग जानते हैं TGT बायोलॉजी 2016 का मैटर काफ़ी दिनों से संज्ञान में है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, लगभग इन अभ्यर्थियों की संख्या 70,000 के करीब है जो लोग इस बायोलॉजी की भर्ती में शामिल हैं। बायोलॉजी भर्ती की परीक्षा कब होगी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि बायोलॉजी की अगर बात करें तो 2016 की भर्ती है। सारे विषयों की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट वगैरह ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, लेकिन बायोलॉजी को रद्द कर दिया गया था, इस वजह से बायोलॉजी की परीक्षा नहीं करवाई गई। पिछले साल फरवरी 2020 की बात है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि बायोलॉजी की परीक्षा करवाई जाए, चयन बोर्ड निर्देशित किया था और चयन बोर्ड ने भी बाकायदा नोटिस जारी करके कहा था कि हम बायोलॉजी की परीक्षा करवाएंगे। फरवरी का मामला आए, उसके बाद मार्च से कोरोना आ गया, कोरोना निकलते निकलते कोरोना की दूसरी लहर आ गई, 2021 अप्रैल आ गया, लेकिन अभी तक बायोलॉजी परीक्षा की को लेकर कोई भी एग्जाम डेट नहीं जारी की गई। बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा लगातार चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन करते रहे कि बायोलॉजी की परीक्षा करवा ली जाए, बायोलॉजी की एग्जाम डेट जारी की जाए। चयन बोर्ड हर बार आश्वासन देता रहा कि हम अपनी बोर्ड की इस मीटिंग में, इस बैठक में बायोलॉजी को लेकर के एग्जाम डेट जारी कर देंगे, लेकिन बायोलॉजी की डेट जो है अभी तक परीक्षा की डेट जारी नहीं की गई। अब एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर आ गई, ऐसे में बायोलॉजी की परीक्षा कब होगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ जितनी प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं वो सभी परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। ऐसे में जो पिछली परीक्षा है उसको शेड्यूल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो परीक्षा है अभी जून तक तो कोई चांसेज ही नहीं दिख रहे हैं। जून के बाद यथास्थिति देखते हुए फिर आगे निर्णय हो सकता है, ठीक है। तो बायोलॉजी की परीक्षा को लेकर के जैसे भी कोई अपडेट आती है चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। आप लोगों के लगातार कमेंट आते रहते हैं कि सर बायोलॉजी परीक्षा को लेकर के क्या अपडेट है। तो दोस्तों वास्तविक स्थिति यही है कि बायोलॉजी परीक्षा फिलहाल अभी संभव नहीं है कोरोना की स्थितियों को लेकर के, और जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट दी जाएगी।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर के, आप लोग जानते हैं आंगनवाड़ी के लगभग 50 से 53 हज़ार पदों पर भर्तियों की खबरें कई बार सोशल मीडिया पर आई भी, उसमें से करीब 5-6 जिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी की भर्तियों के लिए शुरू भी हुए, लेकिन उनके सबके डेट से जो 16 अप्रैल थी, 16 अप्रैल डेट ख़त्म हो गई है, वो सिर्फ 5-6 जिलों के लिए थी। अब ये जो आंगनवाड़ी की भर्ती है, इसकी जिम्मेदारी जो संबंधित ज़िले को दी गई, वहाँ के जो DM है उनको दी गई है। हर ज़िले की अपनी अपनी समस्याएँ, अपनी अपनी स्थितियाँ हैं, उनके अनुरूप अलग अलग ज़िले अपने अपने समय के अनुसार भर्तियाँ निकाल रहे हैं। तो अगर इस समय की बात कर लेते हो, तो इस समय फिरोजाबाद ज़िले से आंगनवाड़ी पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं। ये आंगनवाड़ी भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसके लिए अगर फॉर्म भरना, तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब सेंटर पर इसके फॉर्म अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से जनपद का नाम सेलेक्ट करना होगा, इसके परियोजना ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना होगा, ग्रामीण शहरी ग्राम सभा पद का नाम सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो नीचे यहाँ पर आपको डिटेल शो कर दी जाएगी, और यहीं पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी डेट शो कर दी जाएगी। तो फिरोजाबाद ज़िले में आंगनवाड़ी की भर्तियां चल रही हैं, 17 मई लास्ट डेट इसमें है, और अन्य ज़िलों के लिए भी आप लोग रेगुलर इस वेबसाइट को देखते रहें। जैसे यहां अन्य ज़िलों की ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू होते हैं, तो यहीं पर आपको सारे ज़िलों के नाम दिख जाएंगे जिन भी ज़िलों में भर्तियाँ शुरू होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई, अब इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई बटन पर क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल फिरोजाबाद ज़िले के लिए जो है वो ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं, जैसे अन्य ज़िलों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अंत में बात कर लेते हैं नेवी में भर्तियों को लेकर के। इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना में 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है। AA और SSR के अंतर्गत 2500 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं, लेटेस्ट अपडेट आज की ही है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं पदों के विवरण इस तरीके से है कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के 500 पद हैं, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटर्स के लिए 2000 पद हैं, और इसमें कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, तो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए जो आयु सीमा है, जो शैक्षिक योग्यता है, वो ये है कि 12वीं कक्षा में मैथ्स फिजिक्स या इनमें से कोई एक विषय में, जैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, इसमें कम से कम 60% या अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, मैं कह दें 60% जो फाउंडेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। SSR के लिए जो पद हैं उसमें 12वीं कक्षा में मैथ्स फिजिक्स या इनमें से कोई एक विषय केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी इसमें प्रतिशत की कोई भी फाउंडेशन नहीं है, लेकिन इसमें प्रतिशत की फाउंडेशन है, 60% या उससे अधिक है तो आप AA के लिए आवेदन कर सकते हैं, बाकी कम है तो SSR के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो ये आयु सीमा रखी गई है 1 फरवरी 2001 से 31 जुलाई 2020 के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, यहीं से भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।